हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये वीडियो देख के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि UGC नेट के अंदर दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दुनिया के शायद किसी एग्जाम के अंदर आते हों। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों, और मेरा ये पूरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर कहेंगे OMG। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और पूरी देखना इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ पता चलेगी कि UGC नेट वो किस तरह से क्वेश्चन देता है और कहाँ से क्वेश्चन देता है। और अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपका नेट तो क्या, आपका JRF भी हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की और इसमें दिखाते हैं आपको UGC नेट से रिलेटेड चौंकाने वाले कुछ क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट जून 2011 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 20 है वो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए, तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यदि खर्चा नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उपभोग में कमी और मूल उपभोग के बीच अनुपात हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन की एक बार ये जो हेडिंग है ये आप देख लीजिए। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कब कब आया और किस तरह से आया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पेपर फर्स्ट जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और कोड है W। इसके अंदर हम देखते हैं कि यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, ग्राहक को अपना उपभोग किस प्रतिशत में कम करना चाहिए जिससे कि पेट्रोल का पहला बिल बदले नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, और पहले भी इन्होंने 25% की बात की थी और अब भी ये 25% की बात कर रहे हैं, यानी कि डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। और अब हम ये देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन दोबारा यानी कि तीसरी बार ये क्वेश्चन कब आया है। अब ये देखिए दोस्तों, आपके सामने UGC नेट 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 24 जून का पेपर है ये और मॉर्निंग शिफ्ट है। इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, आप देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इन ए न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्राइस जो पेट्रोल का प्राइस है वो 25% बढ़ गया है, तो एक व्यक्ति को अपना कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी यही हमारा क्वेश्चन 2012 के अंदर आया था और यही अब 2019 के अंदर आ गया है। और इसके अंदर सबसे खास बात यह है दोस्तों, इसकी जो स्टेटमेंट और इसका जो आंसर है बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी है, इसका आंसर हर बार सेम आता है। तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से UGC नेट के अंदर डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दोस्तों हमने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उसके अंदर और जो टॉपिक है उनमें से दिखाए हमने, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च में, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं। और दोस्तों हमने एक पेड व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है, उसके अंदर हम आपको PDF भी देते हैं जो क्वेश्चन डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं। हर टॉपिक में हमने वीडियो बना रखे और PDF बना रखे, वो पेड ग्रुप के अंदर हम आपको देते हैं। प्लस में हम दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो हमने अलग कर रखे हैं, टीचिंग के हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के हमने अलग करके, उन सभी को आप देख के बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। और दोस्तों उन क्वेश्चन को करके आप बिल्कुल आसानी से अपना नेट प्लस JRF ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो वो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों हम आपको उसमें 10 यूनिट की PDF स्टडी नोट्स भी देते हैं, थ्योरेटिकल नोट्स देते हैं और आपको अच्छे से स्टडी करवाते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हम आपके
व्हाट्सएप पे सभी सवालों का जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि किस तरह से आपको हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये पेट्रोल की कीमत में वृद्धि वाले क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें जो एक खास बात होती है वो ये होती है कि जो कीमत है, कीमत के अंदर वृद्धि दी हुई होती है हमें कुछ परसेंटेज, और हमें ये कहा जाता है कि हमारा जो खर्च है उसके अंदर कितना खर्च कम करना चाहिए ताकि हमारा जो है व्यवस्था वो बिगड़े नहीं। तो ये होता है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी वस्तु का 1% मूल्य बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद हमें पूछा जाता है कि हमारा जो खर्च है, खर्च में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो ये देखिए, इससे हम किस तरह से करेंगे। अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला है ये है, मूल्य वृद्धि पर खर्च में कमी इक्वल टू किसके होगी, 100 गुना में ए। ए होता है जितने प्रतिशत हमें बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे कीमत में 25% वृद्धि हुई है तो यहाँ ए की जगह 25% आ जाएगा, और बटे में 100 जमा में ए, यानी कि 25 ही यहाँ पे आएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आएगा। इसमें कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो ये इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो ये रखा हमने 100 गुना में 25, ये आ गया हमारा दोस्तों 2500 आ गया, 2500 आ गया, ठीक है 2500। और नीचे दिया है 100 जमा में ए, यानी कि 100 जमा में 25, ये हो गया 125 हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 125 हो गया। तो ये दोनों के दोनों क्या आएगी दोस्तों, दोनों के दोनों हमारे पास ये आ जाएगा 2500 / 125, ये हमारे पास आ जाएगा। जब दोस्तों, अब 2500 को जब हम 125 से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो ये 20% आएगा, यानी कि 20 आंसर इसका आएगा। यहाँ पे ए इसका ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे अगर 25 की जगह 40 दे दे या 50 दे दे, जो भी दे दे, वो हमें ए की जगह रखते जाना है और वो हमारा आंसर आता जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर यहाँ पे ये कह देते हैं कि वृद्धि की जगह अगर वो कह देते हैं कि कमी की जाती है, तो हमारा क्या आएगा, कमी आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जबकि वृद्धि होगी तो यहाँ पे प्लस हमें लगाना है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये हमारा जून 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसके अंदर भी वही है दोस्तों, सेम टू सेम बात है। तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यदि खर्च बढ़ाने की अनुमति नहीं है, यानी कि खर्च नहीं बढ़ा सकता, तो खपत में कमी, वही बात आ गई दोस्तों, यानी कि खर्च में कितना कमी करना है हमें वो बतानी है। सबसे पहले हमें वो निकालना है, और फिर क्या है, मूल खपत के बीच का अनुपात, यानी कि इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो बढ़ा दिया। अब देखिए, हम जो सबसे पहले इसमें खपत में कमी की ये बात पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि खपत में कमी कितनी प्रतिशत करनी पड़ेगी, 20% करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे खपत में कमी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 20% हमारा आ गया, ये दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनुपात क्या है, ये हमें पता करना है। अब देखिए, पहले हम मान के चलते कि 100% जो है खर्चा करते थे, उसके बाद क्या है कि 20% हमने कम कर दिया, तो अब इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो हमें निकालना है। अब देखिए, खपत में कमी कितने प्रतिशत की है हमने, 20% की है, और टोटल खपत कितनी होती थी, मान के चलते 100% हमारी खपत होती थी। अब देखिए, इन दोनों के बीच में अनुपात कितना होगा, अब इन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा दोस्तों, वो हमारा 1:5 होगा। तो 1:5, ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा आंसर है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारी खपत में कमी कितनी हुई, 20% हम अब कम खर्चा करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा कि खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनुपात, तो ये देखना, खपत में कमी 20% और मूल खपत हम मान लेते हैं 100% पहले करते थे, तो अब इन दोनों के बीच का जो रेशो होगा वो होगा 1:5। तो इस तरह से हम ये आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये जो 24 जून 2019 में अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था, इसके अंदर देखिए वही क्वेश्चन है। एक बजट में पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, वही बात सेम चलती हुई आ रही है तीसरे क्वेश्चन में भी। किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर खर्च न बढ़े। अब देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट भी सही है और जो
प्रतिशत वृद्धि है वो भी सेम दे रखी है, तो इसका आंसर है दोस्तों वो भी हमारा बिल्कुल सेम आएगा, यानी कि 20% इसका आंसर आएगा। और वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होगा, 100 गुना में 25 बटे में 100 जमा में 25, ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से करके देखना, ये जो सवाल आपका बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और आती है। अब ये तो बात होगी हमारी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होगी, लेकिन कई तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर इन्होंने वृत्त की त्रिज्या, व्यास और जो हमारे आयत होते हैं यानी कि रेक्टेंगल होते हैं, उनके बारे में भी कई क्वेश्चन आए हैं। तो वो क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से आए हैं। यहाँ पे देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% तक बढ़ जाती है तो उस वृत्त की परिधि किस सीमा तक बढ़ेगी। यहाँ पे ये सर्कल की बात करें, सर्कल का जो रेडियस है 50% बढ़ जाता है तो उसका पैरामीटर कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये हमें बताना है। और उसके बाद देखिए, ये दोबारा फिर 2007 के अंदर आया था, वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए, जैसे ये आया है आयत के बारे में, आया रेक्टेंगल के बारे में, आया कि रेक्टेंगल की जो लंबाई और चौड़ाई 1% बढ़ जाती है तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितना डिफरेंस आएगा, वो हमें बताना है। उसके बाद में देखिए, ये जून 2010 के अंदर आया था, एक वर्ग की 1% त्रुटि हो जाती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये देखते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम वृत्त, यानी कि जो सर्कल जो होता है हमारा, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यानी कि जो सर्कल है, सर्कल की त्रिज्या यानी कि रेडियस, रेडियस अब हम किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जैसे मान के चलते ये हमारा सर्कल है, रेडियस होता है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये कह रहा कि किसी सर्कल की 1% रेडियस बढ़ा दी जाती है तो उसकी परिधि माने तो पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर में क्या डिफरेंस होगा। अब पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होगा, देखिए पैरामीटर भी मैं बता देता हूँ पैरामीटर क्या होता है। जैसे कि कोई बंदा यहाँ से चला और घूम फिर के यहाँ से यहीं पर आ गया, ये जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं दोस्तों पैरामीटर या परिधि कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि किसी वृत्त की जो रेडियस है वो 1% यानी कि 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके पैरामीटर में कितना परसेंट बदलाव होगा। तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ाई जाती है तो उसकी परिधि में 1% की ही बढ़ोतरी होगी, ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा दोस्तों। जैसे ये देखिए, इसने 50% रेडियस बढ़ाई है तो इसका जो पैरामीटर है दोस्तों वो भी 50% ही बढ़ेगा, जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही हमारा पैरामीटर बढ़ेगा। इसके अंदर ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, बस आप ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे रेडियस बढ़ रहा है तो पैरामीटर सेम टू सेम बढ़ेगा जितना रेडियस बढ़ रहा है। अगर पैरामीटर की जगह यहाँ पे एरिया दे दिया जाए ना दोस्तों तो हमारी गड़बड़ हो जाए, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। सर्कल में अगर रेडियस बढ़ रही है तो उसका पैरामीटर भी सेम टू सेम उतना ही बढ़ेगा। यहाँ पे हमने ये जो एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं तो उसका जो पैरामीटर है वो सेम टू सेम बढ़ता है। यहाँ पे आप देख लेना, और किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो वो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास ये दिसंबर 2007 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसके अंदर कहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है। अब देखिए, यहाँ भी इसने यही कहा था, वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, यहाँ पे जो एरिया की बात चल रही है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पैरामीटर की बात चल रही है, यानी कि इसकी परिधि की बात चल रही है, परिधि की। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें तो मैंने आपको बताया था कि अगर परिधि की बात पूछे, पैरामीटर की बात पूछे, तो पैरामीटर उतना ही बढ़ेगा जितना हमारी त्रिज्या रेडियस बढ़ रही है, लेकिन अगर यहाँ पे एरिया आ जाए तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो अलग होगा दोस्तों। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये हमारा दो भुजा वाले जितने भी हमारे आयत है, वर्ग है, या फिर हमारा जो सर्कल है उसके ऊपर ये लागू होता है। देखिए,
इसके अंदर क्या होता है, यदि किसी दो भुजा वाली आकृति जैसे आयत, वर्ग या वृत्त, ये वृत्त के अंदर वैसे दो जो भुजा नहीं होती लेकिन फिर भी इस पे लागू होता है, में एक्स प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है 100 जमा में ए, 100 जमा में बी, ये कर लिया हमने, बटे में 100 और माइनस में 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये लागू किस तरह से होगा, तो इसमें होगा दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं बढ़ोतरी की बात चल रही है, सबसे पहले हम 100 प्लस में 50 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 150 आ जाएगा, और फिर दोबारा 100 जमा में 50 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 आ जाएगा दोस्तों, और फिर बटे में 100 कर लिया हमने, और फिर माइनस में 100 करेंगे। तो अब देखते हैं ये क्या होगा, 150 की जब हम 150 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास, जब हम 150 और 150 को गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा 225500 आ जाएगा। अब बटे में यहाँ पे 100 है, यहाँ पे ये देखिए ये 100 है हमारा, तो 20 से 20 कट गई। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 225 आ गया। अब 225 में ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 100 है, माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 125 आंसर आएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एरिया के बारे में पूछा हुआ है या पैरामीटर के बारे में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब देखिए इसने यही बात कही है कि जब एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 1% की त्रुटि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि क्या होगी। अब इसमें सेम टू सेम यही लगेगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा लगेगा, ये जो है हमारा, ठीक है, ये आप इसके अंदर करके देखना। इसके अंदर क्या करोगे, 100 जमा में 1, 100 जमा में 1 और बटे में 100, माइनस में 100, इस तरीके से आप ये करके देखना, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आते तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, सेम टू सेम इसके अंदर वही फॉर्मूला लगेगा, और ये क्वेश्चन है इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप करके देखना दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इवनिंग की वीडियो में आपको ये करवाएंगे सभी के सभी। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करके देखना, सभी क्वेश्चन करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।